तो गाइस आप सभी का स्वागत है ब्लैक क्लू गेमिंग में। और आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं नेदर के अंदर, थोड़ा सा काम करना है, मतलब नेदर के अंदर नहीं, एंड सिटी के अंदर जाने वाले हैं, वो भी एक नेदर टाइप का ही है। तो आज मुझे बोर्ड भी लगाने हैं और ये देख रहे हो मेरा खेत अभी तैयार हो गया है और इसमें अभी कुछ नहीं है और मेरी एक दो चीज़ें रह गई थी, जैसे कि ये फालतू के लग गए थे पिछली बार स्क्रीन शॉट ले रहा था उसमें लग गए थे। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ बटन दबाना है, अपने आप ही कलेक्ट हो जाने हैं। तो बस बटन दबाना है और वेट करना है, अपने आप ही जो हमारी फसलें है वो कट जाएगी और अपने आप ही इसमें आ जाएगी। तो देख रहे हो अभी आने शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा टाइम ले लेगी। और ये देखो यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है हमारे साथ कि कुछ फसलें ऐसे अटकी हुई है ऊपर, इसको हमें मैनुअली कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे दो दीवार बढ़ानी पड़ेगी, वो लटा के मुझे दीवार लगानी पड़ेगी तभी हो पाएगा। ओके, तो शायद से कलेक्ट हो चुकी है और अभी इसमें जा रही है, तब तक मैं चीज़ें इकट्ठी कर लेता हूँ दो तीन जो कि यहाँ पर अटकी हुई है। तो ये चीज़ें मुझे सुधारनी पड़ेगी, मतलब कि जो दीवार लगा रखी है इस दीवार की जगह मुझे एक और लेयर लगानी पड़ेगी, मतलब कि जो ये ब्लॉक है ना ये ब्लॉक वापस से लगाने पड़ेंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, पानी वापस ले लेता हूँ और अभी बीज आ रही है। ठीक है, तब तक मैं बीज लगा लेता हूँ और भाई मेरे पास स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ठीक है बीज लगा लेते हैं। तो ये खेत में से ऊपर नीचे कूदने में ये दिक्कत होती है कि ये खेत ख़राब होता है, तो इसको भी मुझे देखना पड़ेगा यार, ये नहीं तो ऐसे ही ख़राब होएगा। देख रहे हो अभी मैं नीचे उतरा, नीचे का खेत हो गया बेकार, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो तब तक मैं थोड़े और बीज ले लेता हूँ। ओके, तो गाजरें भी आनी शुरू हो गई, तो देख रहे हो कितनी सारी वीट आ गई हमारे पास, और बीज लगाने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या आया है। कैरेट ले लेता हूँ, ऐसे कैरेट तो बहुत सारी आ गई हमारे पास, तो इनको भी मुझे लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया और रखते हैं इनको संभाल के। थोड़े से बीज ले लेता हूँ और थोड़ी सी गाजरें ले लेता हूँ, खिलाने के काम आएगी, और वीट भी मुझे चाहिए, थोड़ी सी वीट ले लेता हूँ, वैसे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ले लिए, कोई नहीं थोड़े से इनको खिला देता हूँ। और अंडे देख लेता हूँ हमारे पास, भाई साहब स्टैक पे स्टैक आ रहे हैं और जैसे ही स्टैक होंगे तो मैं कुछ बनाऊँगा इनका। ओके, पहले इनको खिलाते हैं। ठीक है, तो इनको खिला दिए और अब थोड़ी सी खिला देता हूँ मैं ये घास फूस, क्योंकि वीट है और इससे हमारी फ़ायदा होगा। देख रहे हो अभी कितनी सारी हमारे पास शिप आ गई है, और इधर भी खिला देता हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा आराम से खिलाना पड़ेगा इनको, मतलब ख़त्म तो करना ही है मुझे खिला फिला के इनको। यार ये पास आ रहे हैं खाने के लिए लेकिन किसी का खाने का मन ही नहीं है। चलो एक ये बीवी है, ओके तो ख़त्म हो गया। ठीक है, और गाजरें खिला देता हूँ मैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये काम हो गया, हमारे पास शेयर्स भी, हम चाहे तो इनको शेयर भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करूँगा। ते अंदर और थोड़ी सी तैयारी कर लेते क्योंकि अभी हमें जाना पड़ेगा एंड सिटी में कुछ ब्लॉक इकट्ठे करने के लिए, वैसे कुछ नहीं हमें काफ़ी सारे ब्लॉक इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि मैं एक मतलब कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जो कि नेदर के अंदर ही बनाने वाला हूँ, और आपको पता चल जाएगा कि नया होने वाला है क्या जब मैं बनाऊँगा तभी पता चल जाएगा। तो इन वाले बॉक्सेस को तो मैं अंदर रख देता हूँ, शल्कर बॉक्स को, और जो है ये क्या है भाई, ओके ग्लिच है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी में रख दिया, मुझे इसमें से कुछ सामान रखने भी है, ये जो रखी हुई है ना चीज़ें इनको रखना है, तो इसको अब रख देता हूँ मैं। और अभी क्या रह गया है, अभी मुझे ये सामान खाली करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी जगह भरी हुई है भाई फालतू की है, और ये मुझे खाली करना पड़ेगा। देख रहे हो डिस्पेंसर वगैरह क्या क्या भरे हुए हैं, और इनको मैं असेंबल बाद में करूँगा, पहले मैं इसको रख देता हूँ। तो अभी क्या करें यार, अभी मेरे पास स्पेस ही बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, मैं क्या करता हूँ ये बोतलें रख के, मतलब बकेट है एक ले लेता हूँ क्योंकि एक की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें अब रख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, खाना हमारे पास है, बाकी खाना वहाँ पर मिल जाएगा,
और अब क्या रह गया, हमारे पास सूट रह गया, मुझे सूट पहनना पड़ेगा क्योंकि बिना सूट के तो मैं जाऊंगा नहीं। तो सूट मैंने नीचे रखा हुआ है और नीचे मैं सूट ले लेता हूँ, ये रहा, तो मैंने अभी भी पहना हुआ है सूट। और अरे ले ले भाई, ठीक है, ये बकेट एक गलती से आ गई, मुझे इसको देनी पड़ेगी। ओके, तो आ गया हमारे पास सूट और इसको मैं पहन लेता हूँ फटाफट से। ऐसे में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो तो है, बस हमारे पास हेलमेट नहीं है, और हेलमेट मैं चाहूँ तो अभी बना सकता हूँ, पर इसको अभी नहीं बनाऊँगा। एक बार लेवल बढ़ जाने दो मेरा, जो एक्सपी लेवल है तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इंचेंटमेंट करने के लिए लेवल हो जाएगा। तो अब देख लेता हूँ मैं दो तीन कमेंट्स, और कमेंट्स के लिए मेरी जो बोर्ड्स है वो शायद से इसी में रखे होंगे, दो ही बोर्ड रखे हुए हैं, मतलब और बनाने पड़ेंगे मुझे आके। ये वाला खेत तो अब मैं इसको खाली कर सकता हूँ, इस खेत की जगह मैं कुछ और बना सकता हूँ, और मैं सोचूंगा कि इसको कुछ और बनाऊंगा, क्योंकि अब तो हमारे पास खेत आ गया है और यहाँ पर कोई ख़तरा तो नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहली जो कमेंट आई है वो आई है सुखदेव राम शर्मा की तरफ से, और पहले मैं नाम लिख देता हूँ। इनकी कमेंट आएगी, आपको माइनक्राफ्ट खेलते हुए कितने साल हो गए, ईयर डे मिनट सेकंड की फॉर्म में बता भाई। और भी कुछ रह गया वो भी बता दो, वो भी बता दूंगा मैं, और साथ में लिखा हुआ है कि प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। अरे भाई रुक जा तू, ये कहाँ से आ गया भाई अंदर, एक मिनट, ये मेरे को मारेगा भाई, मेरे को ऐसे ही उल्टा जाना पड़ेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब ये अपना सेट कर सकूँ अपना, जो कि यह मैं क्या करता हूँ पानी में जाके फटाफट से करता हूँ जब तक वो आएगा। ओके हो गया, आया तो नहीं, ये आ गया, तो वापस आते कमेंट पे। और भाई देखो मैं इतना हिसाब तो लगाता नहीं हूँ कि सेकंड में क्या खेला है क्या नहीं खेला है, और ये मुझे हटाना पड़ेगा ब्लॉक, तो भाई इतना हिसाब नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं 2 साल से खेल रहा हूँ। ठीक है, अगली कमेंट देख लेते हैं, जो कि आई है आरके फॉरएवर की तरफ से, और नाम लिख देता हूँ मैं। तो इनकी कमेंट आई कि भाई क्या हम फैंटम पे राइड कर सकते हैं? अरे भाई नहीं कर सकते यार, देखो जितने भी होस्टाइल मोब होते हैं उन पर आप राइड नहीं कर सकते, मतलब जो भी आप पर अटैक करने की सोचते हैं उन पर आप राइड नहीं कर सकते। तो ठीक है, अभी क्या करते हैं, हमें एक चेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंड सिटी में मुझे एक चेस्ट भी रखना पड़ेगा, और चेस्ट बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि मेरे आर्मर के लिए कोई ऐसी बुक है कि नहीं है, देख ले। मेरे पास ब्लास्ट प्रोटेक्शन 1 2, यार क्या घटिया लेवल लगे हुए हैं, मेरे पास बुक है और मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें लगा सकता हूँ इसमें, देखता हूँ कुछ अगर मिल जाए तो, ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिल जाए तो और भी बढ़िया। ये देखो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ले लेता हूँ, शायद से किसी में लगी हुई है। ओके, तो मेरे पास ये भी है, ये भी है 4 लेवल की, तो मैं 4 लेवल लेता हूँ यार। मेरे पास फायर प्रोटेक्शन 1 भी है, और इसको भी देखता हूँ लगा के कहीं, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 है इसमें, लेकिन जो पंच भी है भाई इसमें बहुत मस्त मस्त एन्चेंटमेंट है, वैसे ये बेकार जाएगी पर कोई नहीं लगाते हैं, देखते हैं अगर लग गई तो ठीक है। प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, और इसमें क्या है प्रोटेक्शन 3, इसमें रखते हैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3, और ये मिला के ये मिलाऊं या ये तो होगी नहीं क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके 4 हो गया, वैसे मैंने शायद वेस्ट कर दिया है, अब इनमें से कोई सी बुक नहीं लगने वाली इसमें, क्योंकि ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन पहले से ही है, तो प्रोटेक्शन 2 में शायद से लग जाता है, मैं चेक करता हूँ। अरे एक मिनट, प्रोटेक्शन 2 में ही करता हूँ एक बार चेक, लग तो रही है पर इतना लेवल नहीं है भाई, इनको रखते हैं आगे देखेंगे, वैसे बस एक ही बहुत है, चलते हैं नीचे। और मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ भाई, मेरे को दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि मुझे चाहिए ब्लेज पाउडर, और मुझे एक आईओ फेंडर बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक चेस बनाना है,
मेरा जो ब्लेज पाउडर है भाई चुका है बिल्कुल ही, है ही नहीं, मुझे वो भी लाना पड़ेगा। तो दो ही आ पाया भाई, शायद अगली बार मैं इकट्ठा कर लूँ। वैसे इस बार जो ज़रूरत पड़ेगी ना तो मुझे इकट्ठा करना ही पड़ेगा ये जो भी ब्लेज पाउडर है। चलते ऊपर, और जो मेरी एंडर पर्ल है वो इसमें है, ये रे 11। चलो एक बना लेते हैं। ओके, और मेरे पास जो ऑब्सीडियन है वो देखने पड़ेंगे, वो रखे कहाँ है, ये देख रहे हो इसमें भी सामान है अभी भरा हुआ, मतलब कि जो मस्त मस्त चीज़ें हैं ना इसमें भरी हुई है अच्छे से। ये देखो, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, प्रोटेक्शन 3, और एक ये प्रोटेक्शन 3 एक्वा इन्फिनिटी के साथ, ये पहन लेता हूँ मैं। सही है, तो मेरे जो ऑब्सीडियन है यार पता नहीं सही में कहाँ पर रखी हुई है, और मेरे पास लूटिंग 3 है, शार्पनेस 5 है, इसको ही लेके जाऊँगा तलवार को। और अभी मैं ढूँढने हैं ऑब्सीडियन, वैसे मेरे पास है ऑब्सीडियन, बस ये नहीं पता रखे कहाँ हैं। तो मैं चाहूँ तो मैं बो भी ले जा सकता हूँ एक, और बो की ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे मैं लेके जाऊँगा बो, पर पहले मुझे ऑब्सीडियन ढूँढने पड़ेंगे कि ऑब्सीडियन मैंने रख कहाँ दिया भाई। अगर नहीं मिले तो फिर मुझे लाने पड़ेंगे यार नीचे से ऑब्सीडियन। ओके मिल गई, यहाँ पर रखे हुए 15 ऑब्सीडियन। चलो ठीक है, मिल तो गई, नहीं तो यार मुझे नीचे जाना पड़ता। मैं चेस्ट बना लेता हूँ जो कि एंडर चेस्ट है। ओके, और बाकी के रख देता हूँ वापस से संभाल के, पता कुछ नहीं भाई कब ज़रूरत पड़ जाए इनकी। तो सब कुछ आ गया है हमारे पास, शायद से सब कुछ आ गया है, और मुझे लग रहा है कि अभी मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे शील चाहिए, वैसे शील तो चाहिए ही होगी यार अगर वहाँ पर जा रहे हैं नेदर में, वो जो कि एंड सिटी में, और वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एंडरमैन अटैक तो करने वाले है ही, तो शील ले लेता हूँ। तो वो मेरा ये रहा, ओके इन्फिनिटी वाला। वैसे मुझे एक अनब्रेकिंग और चाहिए, क्योंकि अनब्रेकिंग होगा तो मैं इसमें डाल पाऊँगा। इसमें अनब्रेकिंग नहीं है, पावर है लेकिन अनब्रेकिंग नहीं है। और मेरी जो एरो है, अब एरो ढूंढने पड़ेंगे भाई साहब, ये एरो कहाँ रख दिए मैंने। और यहाँ से ले लेता हूँ एक एरो, ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, एक ही बहुत है क्योंकि इन्फिनिटी वो है। ठीक है चलते अभी नेदर में, तैयारी हो गई हमारे पास, और अभी जाएंगे हम सीधे एंड सिटी के अंदर। तो ये कौन है, अरे भाई रुक जा, तू कहाँ से आया भाई इसके अंदर, नहीं मतलब एंट्री कहाँ से मिलती है इनको, एक मिनट सामने देख भाई साहब, आज ही होएगा सारा लैग। ठीक है चलते अंदर। तो अभी मैं यार भागते भागते नीचे गिर गया हूँ, और मेरे को अटैक कर दिया इसने भाई, ये तो गलत चीज़ हो गई है हमारे साथ। अरे मर, ये तो गलत चीज़ हो गई है भाई, हम फंस गए हैं बिल्कुल, और ये एकदम से हुआ है हमारे साथ। चलो ब्लेज तो मिली इस बहाने, और वैसे ये मेरे पास अटैक इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मैंने नोड लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं हो रही है। और मुझे इसको हार्ड मोड पे ले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्केलेटन हॉर्स है वो भी चाहिए होंगे। पर यार अभी ऊपर कैसे जाए, ये तो गलत चीज़ हो गई। चलो ऊपर चलते हैं ऐसे ही। अरे ये गिरा कहाँ से था, ओके यहाँ से गिरा थे, बंद कर देता हूँ इसको। तो बीच बीच में गड्ढे भी है भाई, इनको बंद करना पड़ेगा। चलते अभी नेदर में, मतलब यहाँ सिटी में, अभी गलत फंस गया था मैं। और मुझे 6 ब्लेज रोड भी मिल गई है, लूटिंग 3 है ना इसलिए। सही है, 2 काम हो गई, एक तीर से 2 निशाने, और यहाँ पर शायद से वेदर भी होंगे, नहीं है यहाँ पर होते हैं वैसे स्पॉन तो इसलिए, लेकिन अब है नहीं। ओके तो बड़े दिनों बाद आया हूँ, और ठीक है यहाँ पर है मेरी बिल्लियाँ, मुझे लग रहा था कि मर गई है, वो यहाँ पर बैठी हुई है,
ठीक है, ये सही है। हमारी जो बिल्ली है वो यहीं पर बेड पे ही बैठी हुई है, और अगली बार जब मैं आऊँगा वापस तो मैं अपनी बिल्लियों को लेके चलूँगा अपने घर पे। बहुत दिनों से यहीं पर ही बैठी हुई है, और ऐसा ना हो कि कभी डिस्पोन ही हो जाए। तो एक मिनट, ये नमूने भाई कहाँ का? ओ भाई, दो दो एक साथ, कहाँ कहाँ से आते हैं भाई ये? तो जो हमें ये वाला मिला हुआ है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा है यार, छोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसमें ये नहीं पता कि यहाँ पर लाइब्रेरी कहाँ पर है, क्या चीज़ कहाँ पर है, कुछ नहीं पता। तो वैसे वर्ल्ड में भी होते हैं, और ये नमूने भाई क्या कर रहे हैं यार इस वर्ल्ड में? हद होती है, हर जगह ज़ोंबी ज़ोंबी घूम रहे हैं, ये क्या है भाई? ठीक है, यहाँ पर चेस रखते हैं। ओके, और ये देखो एग मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था कि मेरा एग गया कहाँ है, और एग मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर भी भाई काम काम के चीज़ें रखी हुई है, तो एग तो यहीं पर ही है वो देख रहे हो, और ग्लोस्टोन डस्ट भी है, टैग भी रखा हुआ है। ठीक, याद रहेगा आपसे कि एग हमारे यहाँ पर रखा हुआ है अंदर। तो मेरे ख्याल से अंदर एक ये चेस्ट होगा, शायद से होना चाहिए, एक बार जाके चेक करता हूँ। थोड़ी सी मैं ले लेता हूँ ये एंडर पर्ल, तीन बहुत है, एक वेस्ट चली जाएगी, दो तो काम में आएगी शायद। तो यहाँ पर ड्रैगन भी अभी ज़िंदा हो चुका है, और हमें ड्रैगन से भी बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो देखते ही सीधा हम पर अटैक करेगा। ऐसे इतनी दूर से तो अटैक करने वाला है भाई, कर सकता है। तो देख रहे हो ड्रैगन भी यहीं पर ही है, और इसने अगर देखा तो अटैक करेगा भाई, बहुत ही ख़तरा है यहाँ पर। और ये खाली, ये तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बस ये ड्रैगन आया ना मेरे पास, ये आ रहा है क्या मेरे पास? आ ही रहा है शायद से, हम तो अपने इसमें चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, और मैंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं जो अपने एंडर पर्ल है वो कम ले आया हूँ। मतलब कि अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे और निकालने पड़ेंगे भाई, कि यहाँ पर ज़रूरत है। और अब मेरे को याद आएगी, मैं सारा काम एंडर पर्ल से ही कर रहा था यहाँ पर, इसकी वजह से मुझे फेंक फेंक के ही जाना पड़ेगा भाई एंडर पर्ल को। तो ये हमारा पोर्टल है, और मुझे लगा था कि यहाँ पर चेस्ट नहीं होगा, पर यहाँ पर चेस्ट है। वैसे हम उड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास रॉकेट नहीं है भाई, रॉकेट मैंने कहीं और तो नहीं रखे हुए? नहीं, इसमें तो नहीं हो सकते यार, बाहर ही है, मुझे पता है बाहर है वो, और मैंने देखे तो थे रॉकेट रखे हुए कहीं पर, शायद इसमें तो नहीं है। नहीं, इसमें नहीं है। और मैं यहाँ से पिकेक्स ले लेता हूँ, फॉर्चून नहीं, एफिशिएंसी चाहिए हमें, और ये ले लेता हूँ जो हमने ठीक कर कुरा कर डाली हुई थी, तो सबसे बेस्ट पिकेक्स रहेगी हमारे लिए। बस ये हो कि मर ना जाए हम, अगर हम यहाँ पर मरे तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। अब मेरे को डर लग रहा है भाई यहाँ पर आने से, जब आता नहीं हूँ जल्दी से, पर फिर भी भाई अब तुक्के में फेंकूँ बिल्कुल यहाँ ऊपर, बस चले जाए। ओके, बच गया भाई, क्राउच हो जाओ जैसे ही आओ, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे, ये देखो हो गया ना पागल, देखती चल तू निकल पहले, एक किधर से अटैक करेगा भाई, अरे हट, चलो निपटा दिया एक को। पानी ले लेता हूँ भाई हाथ में, लोग हाथ में, चलो ठीक है। थोड़ा नीचे नीचे देख के जाना पड़ेगा भाई, ये इनकी सिटी है, और यहाँ पर ऐसे ही जाना पड़ेगा। एक चीज़ आपको, फ्लावर लगे हुए हैं ये ऊपर, अगर आप ऐसे नीचे से तोड़ते हो ना इसको, तो आपको ये फ्लावर नहीं मिलते, लेकिन अगर आप ये बो से तोड़ते हो कुछ इस तरीके से। एक मिनट, ये कोई नमूना आ गया है मेरे पास, आ जा बेटा तू, किधर गया? अब आ जा, ये नमूने कहाँ से आते हैं भाई? अरे भाई मेरा सारा काम खराब कर रहा है, कहाँ गया वो? यही है ना जो घूम रहा है, आ जा तू, मुझे ऊपर चढ़ के अब देखना पड़ेगा, पीछे से तो आएगा ही नहीं, आगे से ही आ सकता है।
तो यार ये सबसे बड़ी दिक्कत कर रहे हैं मेरे साथ कि मेरे को कुछ करने ही नहीं देंगे। पानी ले लेता हूँ। तो देखो यार इन पे कहाँ गए, ये लगा हुआ है ना, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो ऐसे करके, ये देखो गिरा, और इसको आप कलेक्ट कर सकते हो। मैं तलवार से तोड़ के देखूँ, तलवार से वह टूटेगा नहीं। अरे नहीं टूट गया। तो देख रहे हो इस तरीके से आप फ्लावर भी कलेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं इसलिए अगर आप नीचे से ऐसे तोड़ते हो ना तो आपको सिर्फ वही चीज़ मिलती है जो इसके ये मतलब कि ये होते हैं फ्रूट होते हैं, फ्लावर आपको नहीं मिलता, फ्लावर ख़राब हो जाता है। अगर आपको फ्लावर चाहिए तो आप ऐसे तोड़ सकते हो, ऊँचे वाले फ्लावर है उसको आप ऐसे बो से तोड़ सकते हो और वो नीचे गिर जाएगा तो आप उसको कलेक्ट कर लो। ये नमूना भरने के लिए आया हुआ है। भड़क गए यार ये एंडरमैन, मुझे सही में बहुत ही बेकार लगते हैं। अरे लग जा भाई, ये देखो पीछे से मारते हैं ना तो और भी ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। ये देखो अलग ही लेवल है भाई। अभी आएगा किस, ओके इस तरफ से ठीक है। तो ठीक है इसमें चलते आगे बढ़ते हैं, और हमें जाना है आगे, काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है। पता ही नहीं थी सिटी किस तरफ है, बस चलते जाना है, सिटी अपने आप ही मिल जाएगी। तो अगर किसी ने परेशान किया तो बस क्राउच होना है और लड़ना है उससे। मैं पानी वानी तो डालने वाला हूँ नहीं भाई, बिना पानी के ही काम चलेगा अपना। और हमारे पास सूट इतना अच्छा है कि वो हमें बचा के रखेगा। ओके तो सिटी मिल गई, और मैं ये सिटी के ब्लॉक इकट्ठे करने वाला हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि मैं एक बनाने वाला हूँ कैसल, बहुत बड़ा कैसल। वैसे हम ये भी इकट्ठे कर सकते हैं, और मुझे ये भी इकट्ठे करने हैं, तो पहले मैं ये इकट्ठे कर लेता हूँ। ऐसे भी एफिशिएंसी है और जितने चाहूँ उतने इकट्ठे कर सकता हूँ मैं। तो ठीक है थोड़े बहुत यहाँ से इकट्ठे किए, चलते अंदर, उनको याद तो नहीं रहा। ओके एक स्टैक तो हो गया है, बाकी हमें ये ऊपर से ये तोड़ने पड़ेंगे सारे। तो मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और तभी हो पाएगा काम। अरे चढ़ जा, ओके थोड़ा सा ऊपर चढ़ दे, उसके बाद ही मैं ऊपर से तोड़ूँगा, और ऊपर से तोड़ते तोड़ते नीचे लाऊंगा ताकि बहुत सारे ब्लॉक आ जाए हमारे पास। ऐसे मुझे सही में नहीं पता कि इनकी रेसिपी होती है बनाने की, मुझे सही में नहीं पता इन ब्लॉक की, जो ये पिंक कलर के ब्लॉक है। अरे भाई इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, जो कि एंड सिटी है। तो ये ब्लॉक परेशान कर रहे, बार बार मेरे सर में लग रहा है और मैं गिर रहा हूँ। इनको हटा के अब सही है, ऊपर कोई ब्लॉक तो नहीं है। चलो तो हमें और ऊपर जाना है, और ये देखो नमूने, और भी नमूने बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या है, कैरो जा नहीं रहे या लगी, चलो लग तो रहे। अरे मर गया, तू भी मर जा भाई। इससे कुछ गिरा नहीं, तो ऊपर चलते हैं, और ये ऊपर जाने में सबसे बड़ी दिक्कत। ओके चलो एक शलकर मिला हमें फ्री का, और कोई है यहाँ पर तो यहाँ से तोड़ना चाहिए हमें। ओके तो ये तोड़ते हैं यहाँ से, तो लेते अपनी ये वाली और इसको आप पूरा उजाड़ते हैं सिटी को। तो जहाँ तक ऊपर तक जा रही है सारी तोड़ देने हैं ब्लॉक, जितने ये मिलेंगे उतना ही फ़ायदा। ओके 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 तो यहाँ पर एक नमूना भी है और वो मेरे पे अटैक कर रहा है। अरे भाई रुक जा, ये कहाँ से अटैक कर रहा है ये भी तो नहीं पता ना। एक बार मैं चला जाऊँ ऊपर सही से, अच्छी सी जगह पर आ जाऊँ, बस यहाँ पर आ जाऊँ। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई बस बस बस
ये मैं गलत फंस गया, मैं नीचे तोड़ तो सही रहा था पर एक नमूने आ गए, और देख रहे हो कितने सारे हमारे पास भर गए भाई। यही चाहिए था हमें, पहले इन नमूनों को निपटाते हैं। कहाँ पे हैं, कहाँ से अटैक कर रहा था भाई ये रहा। तो एक दो नमूने हो रहे हैं यहाँ पर, शायद इस तरफ है। ये कहाँ गए यार, कहाँ से कर रहा था, मुझे नीचे जाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। ओके पता नहीं कहाँ पर है, चलो यहीं से खोदते हैं, नीचे जाते हैं, ज़्यादा लगेगी तो नहीं। अरे बहुत लग रही है भाई, बस अब नहीं खोदूँगा ये रहा। नहीं नहीं मुझे लगा ये वही है, अच्छा वो है पीछे है, मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वैसे यार देखो मेरे को सही में बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे माइनिंग करने में, क्योंकि मेरे पास एफिशिएंसी है और एफिशिएंसी से कुछ अलग ही लेवल का मज़ा होता है सही में। ये मैं क्या सिल टच यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो एफिशिएंसी से सिर्फ मैं यही करूँगा और मेरा काम हो जाएगा, वो सिंपल है यार। तो अभी देखो मैंने कितना काम कर दिया है, ये देखो ऊपर से बिल्कुल ख़त्म, और अभी नीचे ब्लॉक पड़े हुए, मुझे इनको भी इकट्ठा करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास स्पेस ही नहीं है। और ये वाले जो मंजिल है ना, इसको भी मुझे खाली करनी है। ये देखो क्या कर रखा है मैंने, सारा मुझे खाली करना पड़ेगा और सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा। एफिशिएंसी में यार चलाने में मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे क्रिएटिव मोड में खेल रहे हैं, मतलब ये फटाफट करते रहो काम। तो भाई यहाँ पे तो इतने ब्लॉक है कि मैं उनको इकट्ठे ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ जब तक मैं ब्लॉक इकट्ठे करूँ, और शायद से हो जाए अभी इकट्ठे, शायद से हो जाए। और मुझे नीचे से भी इकट्ठे करने पड़ेंगे भाई, अभी तो बहुत सारे करने हैं। तो यहाँ से तो हो गए शायद, अब नीचे जाना पड़ेगा और नीचे से भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। और हमने ये वाला फ्लोर मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे सिर्फ ये पिंक ज़्यादा चाहिए थे, ये तो मैं इनसे भी बना सकता हूँ, मुझे ये चाहिए थे सिर्फ पिंक पिंक। और ये इकट्ठे नहीं हो रहे, मुझे खाली करना पड़ेगा कुछ। ये हेलमेट निकालो और देखते हैं। ओके काम हो गया हमारा सारा, ये देख रहे हो पूरा भर गया हूँ मैं, बस मुझे अभी चाहिए ये वाले ब्लॉक, ये नीचे जो लगे हुए हैं ये और चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। अगर मैंने बिना इनके बना दिया तो ऐसा लगेगा जैसे यार मतलब पिंक पिंक लगेगा यार, थोड़ा अजीब लगेगा। तो मुझे पिंक ज़्यादा रखना नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा लुक बनाने के लिए और कुछ नहीं, बाकी हमारा मेन काम तो इनसे होना है जो ये वाले ब्लॉक है। यार अभी इनके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, क्या खाली करूँ मैं अभी, ये निकाल देता हूँ, ये किस काम की है। तो ये हमारा काम हो गया है, सिटी हमने कर दी है पूरी खाली है, देखो ऊपर से नीचे तक पूरी खाली कर दी है। चलते हैं अभी घर पे, और एक चेस्ट में रखना पड़ेगा मुझे, चेस्ट नहीं एक शल्कर बॉक्स में रखना पड़ेगा सामान, उसके बाद मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे ये वाले ब्लॉक सिर्फ। और ये खाली पड़ा हुआ है एक बॉक्स, यहाँ से मैं एक सीढ़ी बनाता हूँ। ठीक है तो सीढ़ियाँ तो बना ली है, और उतरते मुझे सबसे पहले इस नमूने को मारना पड़ेगा, भग जाए यहाँ से, वो गिर गया। तो ये देखो मेरी सीढ़ी भाई, बहुत ही रिस्की सीढ़ी है, बस आने आने के लिए, जाने के लिए मैं यूज़ नहीं करूँगा भाई इसको। क्या करते हैं, यहाँ से एक मैंने रखा हुआ था, खाली रखा हुआ था एक, ये था ब्लू। ओके अब सही है, अब हमारे पास इतना स्पेस है कि हम इसमें जो चाहे वो रख सकते हैं, मतलब जितने ब्लॉक चाहे उतने रख सकते हैं। ओके तो गाइज आज हमने इकट्ठे तो कर लिए काफ़ी सारे, और अभी हमें और भी इकट्ठे करने पड़ेंगे जिसको मैं ऑफलाइन माइनिंग करने वाला हूँ। माइनिंग क्या, मैं इकट्ठे करने वाला हूँ ब्लॉक जितने मिलेंगे, और अभी हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक आ गए हैं। ये खुल जाए तो दिखा भी दूँ मैं, ये खुलेगा कैसे। ओके ये देखो इतने सारे ब्लॉक आ गए हैं, और अभी हमें और भी ब्लॉक चाहिए, खास करके ये चाहिए हमें एंड स्टोन, और उससे हमें ये मिल जाएगी ब्रिक्स मिल जाएगी, स्टोन ब्रिक्स, जो कि हमें एंड स्टोन ब्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो बस यही चीज़ चाहिए हमें, और ज़्यादा कुछ चीज़ें चाहिए नहीं।
और मैं इकट्ठे करके इनको फिर अगले भाग में मैं बनाऊंगा जो भी चीज़ मुझे बनानी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले गेमिंग एपिसोड में।